हेलो गाइस, आपको पता है कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हो तो मैं उसका आंसर ज़रूर देता हूँ। और आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हो, और चाहो तो आप पर्सनली जो है क्वेश्चन भेज सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखेगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके मुझे फॉलो करिए और क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो उसी सिलसिले में आज जो है हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है, आर के चौहान जी ने, तो उनके क्वेश्चन को चलिए पहले देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखेगा। मेरे एरिया में पहले दिन रूफ कास्टिंग करते हैं, दूसरे दिन प्लास्टर करके सीमेंट घोल लगाते हैं, तीसरे दिन पानी का छिड़काव करते हैं, और चौथे दिन से वाटर क्योरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं, इज इट करेक्ट प्रोसीजर, प्लीज़ रिप्लाई विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट प्रोसीजर। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो स्लैब होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिल्डिंग का, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो जो कॉलम बीम को सबको एक साथ बांध करके रखता है वो क्या होता है, वो स्लैब होता है। तो इसको थोड़ा सा तो समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्क्रीट यूज होता है वो मास वॉल्यूम में यूज होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट यूज करते हो आप। कॉलम में तो चलिए एक कॉलम बना दिया ना, तो वहाँ कम कंक्रीट लगता है, लेकिन स्लैब की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा कंक्रीट लगता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो सपोर्ट्स होते हैं, बीम से सपोर्ट तो मिल जाता है लेकिन बीच में तो सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो उसको सूखने के लिए या स्ट्रेंथ चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, एक तरीके से समझिए आप। तो जब आपको समय चाहिए देना ही है, तो आप कैसे अगले दिन जो है ऊपर प्लास्टिंग कराओगे और कैसे जो है कॉलम वर्क कराओगे। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, समय को बचाने के लिए बहुत तेज़ी से काम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि घर आपका बन रहा है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा उसमें, ठीक है, ठेकेदार नहीं रहने वाला है उसमें, रहना आपको है। तो आपको घर बनाते समय पैसे तो देने ही हैं, उसके साथ साथ समय भी देना होगा, ठीक है। तो कम से कम 10 से 12 दिनों तक तो कुछ नहीं कराना है आपको स्लैब कास्टिंग के बाद। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और एक दो चीज़ें मैं अभी बताऊँगा, उसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप दिमाग में ये डाल लीजिए कि आपको 10 से 12 दिनों तक कुछ भी नहीं कराना है, केवल पानी भर के छोड़ देना है, ठीक है ना। मतलब 24 घंटे बाद आइए, कास्टिंग के 24 घंटे बाद आप पॉन्डिंग बनाइए। पॉन्डिंग बनाने के बाद मीन्स पॉन्डिंग बनती है, आप फोटो देखिए, आपको दिखेगा, पानी भर दीजिए। और पानी जो है कम से कम 10 से 12 दिनों तक, अगर ओपीसी यूज कर रहे हो तो 10 दिन दे दीजिएगा, पीपीसी यूज कर रहे हो तो 12 दिन दे दीजिएगा, उससे कम समय मत दीजिएगा, ठीक है ना। तो 12 दिनों तक पीपीसी के केस में आपको पानी भर के रखना है, उस ड्यूरेशन में कोई भी काम आपको नहीं कराना है छत पर, ठीक है। और दो तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पहला चीज़ ये, तो आपको करना क्या है कि कास्टिंग होने के बाद, कास्टिंग के 3 से 4 घंटे बाद आप क्या करोगे, जो बोरे होते हैं ना, बोरे जूट बैग्स बोल सकते हो, उसको पानी से भिगोना है। भिगोने के बाद पूरे छत पर फैला देना है 3 से 4 घंटे बाद। अगर आप ये कर सको तो करिए ज़रूर, नहीं तो जैसे अगली सुबह आकर के तो ज़रूर कर दीजिए इसको, ठीक है। भिगो करके फैला देना है। क्यों ऐसा करते हैं, जो क्रैक्स होते हैं वो ना आने पाए, श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो श्रिंकेज क्रैक, जैसे हेयर होता है ना, हेयर ऐसे हेयरी क्रैक्स आ जाते हैं, तो उस वो नहीं आएंगे अगर आप ये फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे बाद आप मान के चलिए सब बोरों को हटाइए, पॉन्डिंग करिए, पानी भर दीजिए, 12 दिनों तक कुछ मत करिए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे करना है, ठीक है। और जो भी मैं सोल्यूशन आपको देता हूँ वो मैं प्रॉपर बुक को फॉलो करता हूँ, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बुक है, ML गंभीर जी की है, आप भी चाहो तो परचेज कर सकते हो, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी की है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी ना समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है, और मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा उसका। और वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।